हेलो एवरीवन वन टुडेज टॉपिक इज़ वाटर ऑन मून चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले खुद के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा मेरा नाम है आदित्य गिदारी मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है मेरी बेसिक इंजीनियरिंग इज इन कंप्यूटर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसके बाद मैंने लॉ uh, किया फिर मैंने एल किया नेट क्वालीफाई हुआ फिलहाल पी कर रहा हूँ पिछले नौ सालों से एम और यू के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सात सालों से मैं लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मेरे दो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो मेरा सब्जेक्ट लेके आई आर बन चुके हैं अनिल खड़से और वैष्णव बनकर दोनों दोनों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था जो मैंने ही पढ़ाया था और सोशल मीडिया मेरे वेडियस हैंडल्स है जैसे कि यूट्यूब चैनल है जिसका नाम आदित्य किदारी है फेसबुक पेज है आरकाएस अकेडमी और टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो आदित्य किदारी अंडर स्कोर तो <coughs> चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं वोटोमोलिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड इन क्लैवियस क्रेटर इन द मून्स सदर हेमिसफियर देखिए याद रखिएगा कि अब तक जो भी आ, आ, हुआ है मार्स में जब भी कोई भी सैटेलाइट भेजा गया है या कोई भी मिशन भेजा गया है वो एदर नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ज़्यादातर भेजा गया है सदन में उतना ज़्यादा नहीं है और जो भी वाटर अब तक जो भी मून पे मिला है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में मिला है दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि सदर्न हेमिसफेयर में जहाँ पर कैलवियस क्रेटर करके जगह है आप फोटोग्राफ में देख सकते हो ये जो गोल सर्कल दिख रहा है ये क्रेटर है इसको कैल्वियस क्रेटर कहा जाता है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं ठीक है एंड इट इज द फर्स्ट टाइम वाटर हैज बिन डेड डिटेक्टेड ऑन द सनलिट साइड शोइंग इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द शैडो रीजन तो देखिए इसका मतलब ये सनलिट साइड का मतलब है कि जिस तरह जिस डायरेक्शन से सनलाइट आता है तो मून का जो सिर्फ से सनलाइट डायरेक्शन आता है तो नॉर्मली बिकॉज ऐसा माना जाता है कि देखो कि बिकॉज ऑफ द सन रेज पानी इवोपरेट हो जाता होगा और वहाँ पे कोई पानी नहीं होता होगा और जो शाइडो शाइड है मतलब जहाँ पे सनरेज नहीं आते तो वहाँ पे ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी का अस्तित्व देखा गया है डिटेक्ट किया गया है लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह पे सूरज की किरणें आ रही हैं स्टिल वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं अब तक ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है दिस वॉज कम्फर्न बाय नासा स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रा एस्ट्रोनॉमी सोफिया करके उनकी टेक्नोलॉजी है उनका सैटेलाइट है उससे यह कंफर्म हुआ है सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी की कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मार्कर ऑफ पोटेंशियल लाइफ वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स इन डीप स्पेस देखिए पानी जहां होता है जैसे कि अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहां पे पानी है बाकी किसी प्लान पे पानी नहीं है तो पानी से आगे जाके लाइफ फॉर्म बने और हम इतना इवोल्यूशन हुआ कि हम अस्तित्व में आए सारे एनिमल्स अस्तित्व में आए तो ऐसा माना जा रहा है कि देखिए कि मून पे भी क्या पता पानी मिल रहा है तो वहाँ पे भी लाइफ ज़िंदा पोटेंशियल लाइफ हो सकती है और वाटर इज़ अ वेरी असेंशियल रिसोर्स क्या पता कल अर्थ पर पानी ना हो या जो भी पानी हो वो ड्रिंकेबल ना हो तो क्या पता हमको मून से पानी लाना पड़ सकता है ऐसा माना जा रहा है यू नो थियोरीज आर बिन स्पेक्युलेटिव थियोरीज आर बिन मेड फॉर एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग ऑन द मून वाटर इज नेसेसरी नॉट ओनली टू सस्टेन लाइफ बट आल्सो फॉर purposes such सच एज जनरेटिंग रॉकेट फ्यूल देखिए जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून पर उनके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है नॉट की भई उनको खुद के लिए भी चाहिए होता है और जो रॉकेट होता है उसको रिफ्यूल करने के लिए भी इस पानी की जरूरत पड़ती है इन स्पेस एक्सप्लोरर्स इफ स्पेस एक्सप्लोर कैन यूज द मून्स रिसोर्सेज इट मीन्स दे नीड टू कैरी लेस वाटर फ्रॉम अर्थ नेचुरली अगर मून का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको अर्थ से कम पानी लेके जाना पड़ेगा कम पानी लेके ले जाना पड़ेगा तो जिस रॉकेट से आप मार्स में जिस या जिस सैटेलाइट या जिस स्पेसशिप से आप जा रहे हो उसमें पानी कम करना ट्रैवल लेके जाना पड़ेगा तो कम वजन होगा तो आप इजीली जल्दी कम फ्यूल में आप मून पहुंच सकते हो तो ये कैसे ये पानी कैसा वहां कैसे हो सकता है स्पेस रॉक्स कैरिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड हैव बॉम्बार्डेड द मून देखिए स्पेस में जो यूनिवर्स है अंतरिक्ष है उसमें जो भी छोटे छोटे पत्थर होते थे है उसके अंदर पानी हो सकता है वो जाके जब मून से टकराए होंगे तब जाके ये वहां पे फॉर्म होगा फॉर्म हो गया होगा अल्टरनेटिवली द सन सोलर विंड वुड कुड हैव हाइड्रोजन which then reacted with the minerals in the lunar soil to create hydroxyl which later ट्रांसफॉम into water देखिए जो सनरेज होते हैं वो आपको पता ही होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पृथ्वी पे जब सनरेज हिट होते हैं तो वाटर वेपर क्रिएट होता है तो कई बार सनरेज में वाटर या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि सोलर विंड जो होती है सोलर रेज जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है कार्बन होता है तो हाइड्रोजन होता है जो कि लूनार सॉइल के मिनरल्स मिनरल्स के साथ फॉर्म होकर हाइड्रोक् फॉर्म हो सकता है और उससे आगे जाके पानी बन सकता है ये सोफिया क्या है जिसको मैंने नासा का जो है आ, मैंने पिछले साइड में समझा है सोफिया इट इज़ अ मॉडिफाइड बोइंग सेवन फोर सेवन फाइव पी जेट लाइनर दैट फ्लाइज एट एल्टीट्यूड अपू फोर्टी फाइव थाउजेंड फीट तो ये एक प्लेन है जिसके अंदर आप ये डिश एंटीना छोटा सा दिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ए सोफिया वो पिक्चर्स लेता है वो मून uh, पे डायरेक्ट करके पिक्चर लेता है तो इट इज काइंड ऑफ बोल सकते हैं कैमरा है एक छोटा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसको एक

कैमरा होता है जैसे मैंने बोला इस कैमरा से ही क्लिक uh, किए जाते हैं फोटोज दैट पिक्स अप द वेवलेंथ यूनिक टू वाटर मॉलिक्यूल्स तो देखिए ये एक इंफ्रारेड कैमरा है जो स्पेशल है जो इस्तेमाल किया जाता है कि जो स्पेसिफिकली अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको क्लिक करता है उसको वेवलेंथ कैच करके फोटोग्राफ्स खींचता है सोफिया मिशन इज टू लुक एट डार्क एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉट ओनली मून बाकी के ऑब्जेक्ट्स को लुक करना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को चेक करना द मून ऑन द अदर हैंड इज सो क्लोज एंड ब्राइट दैट इट फिल्स द सोफिया गाइड कैमराज एंटायर फील्ड ऑफ व्यू तो इतना मून उस हिसाब से काफी पास है वो कहीं कहीं दूर सारे ऑब्जेक्ट्स को भी जाके फोटो खींच सकता है तो मून तो उसके लिए बहुत नजदीक है फॉर दैट इंफ्रारेड कैमरा तो डेफिनेटली वहाँ पे आराम से उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट कर लिए तो नॉट ओनली दिस बट आल्सो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी जाके वो उस ऑब्जेक्ट पे कौन से क्या फोटोज वो हंड्रेड निकाल सकता है इतना स्ट्रॉन्ग कैमरा है चंद्रयान वन और वाटर डिस्कवरी चंद्रयान वन ये हमारा प्रोजेक्ट था इजरोज इंडियन स्पेस रिसो ऑर्गेनाइजेशन चंद्रायन मिशन हैज ऑलरेडी प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिटेंस ऑफ वॉटर तो हमारा जो हमने चंद्रायन जब मून पे भेजा था सैटेलाइट तो अभी भी उसने यही बोला था कि मून पे पानी है लेकिन सनलाइट एरिया पे नहीं शेडो एरिया में दो हजार नौ में द मून मिनरोलॉजी मैपर एम थ्री इंस्ट्रूमेंट अब्रोड चंद्रा एन वन फाउंड वाटर मॉलिकुल्स इन द पोलर रीजन ठीक है जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे मून मिनरोलॉजी मैपर एम थ्री करके इंस्ट्रूमेंट है चंद्रायवन पे था उसने डिटेक्ट किया अभी इसके आगे क्या है सोफिया विल लुक फॉर वाटर इन एडिशनल सनलिट लोकेशंस टू लर्न मोर अबाउट हाउ द वाटर इज प्रोड्यूस्ड स्टोर्ड एंड मूव्ड अक्रॉस द मून देखिए कैसे ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पे ये स्टोर होता है ये मून पे कैसे मूव uh, होता है ये पानी वो सारा का सारा चेक सोफिया करने वाला है विथ ऑब्वियसली फोटोग्राफ खींच के वो प्रूव करेगा एक्सप्लोरेशन रोवर विल कैरी मिशन टू सेंटर रिसोर्स मैप ऑफ द मून कि वो बताएगा कि जो जहां वो मैप क्रिएट कर रहा है वाइपर एक मैप क्रिएट करेगा जहां जहां पे पानी होगा वो वहां पे लोकेट करके देगा ठीक है तो ये था आज का वीडियो uh, आपको अच्छा लगे हो तो डेफिनेटली आप फॉलो करिए चैनल लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कोई डाउट हो या कि और कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो उसको डेफिनेटली आप कमेंट करिए तब तक के लिए मैं आदित्य की तारी आई एम साइनिंग आउट थैंक यू जय हिंद